उदयनगर कॉलोनी वार्ड 21 के क्षेत्रवासियों ने नाला निर्माण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अजमेर रामगंज थाना क्षेत्र बालाजी फार्म हाउस के पीछे स्थित उदयनगर कॉलोनी वार्ड 21 के क्षेत्रवासियों ने नाला निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर वार्ड 21 के पार्षद मोहन लालवानी को सूचना देकर बुलाया गया। क्षेत्रवासी कॉलोनी में भरने वाले बारिश के पानी व आसपास की कॉलोनियों से आने वाले नाले के पानी से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा नक्शे में बंद हो चुके बरसाती नाले के निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है, इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा नाले की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तात्कालीन जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा, आयुक्त चिन्मय गोपाल, एडीएम सिटी, नगर निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने कॉलोनी की स्थिति देखते हुए नाले के निर्माण की अनुमति दे दी थी, जिस पर कब्जा कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर क्षेत्रवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बारिश के दिनों में पानी भर जाने से कई जहरीले जानवर बिलों से निकलकर घरों में आ जाते हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत व्याप्त है। आज ये उदयनगर वालों ने मेरे को यहाँ पे फोन करके बुलाया कि बोले यहाँ पे कल भी कोई कांग्रेस से कोई नेता कोई आया था यहाँ के इन पे, और जब ये विवाद न्यायालय में चल रहा है तो किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तो आज इन्होंने बुलाया मेरे को कि यहाँ पे जो नाले के संबंध में जो न्यायालय में चल रहा है, तो इनकी यहाँ पे जो डी ब्लॉक है, लोहार बस्ती है, फूटी बावड़ी है, वहाँ से लगातार पानी की सप्लाई यहाँ पे होती है, और यहाँ जो नाला बना है वो 2000 इन्होंने भी जो न्यू गोविंद नगर वालों ने है ना 2008 में इन्होंने भी वहाँ पे नाला बनवाने के लिए ये एप्लीकेशन दे रखी है, उसमें इनके सारी कॉलोनी वालों के साइन है, उन्होंने ये दे रखा है। तो यहाँ नाला एक साल पहले जब ये पूरा पानी से भरा हो गया था तो हमारी आयुक्त महोदय श्रीमती चिन्मय गोपाल और विश्वमोहन शर्मा जी, कलेक्टर साहब और एडीएम सिटी सेंगवा जी यहाँ पे आए थे, और मेयर साहब भी आए थे, और पूरी पानी जो ये पूरी लबालब से हो रही थी कॉलोनी, उसका पानी पंप के द्वारा निकलवाया था। ये स्थिति इनके पास 2012 में भी हुई थी, तब भी यहाँ पे पंप लग के यहाँ पे निकला था पानी, और ये पानी जो ये पीड़ित हैं ये न्यू गोविंद नगर में रहते हैं, इनके इनके उनके मकान में से भी पानी नीचे से जमीन में से जा रहा है, उनकी नींवें सबकी कमजोर हो गई। दिक्कत क्या हो रही है और क्या दिक्कत ये हो रही है कि अभी जो नाला निगम ने पास करा है तो इन्होंने लगभग वो इसके बार बार आके यहाँ पे उदमदार करके यहाँ पे काम रुकवाने की करी ठेकेदार से, ठेकेदार ने नहीं रोका तो फिर ये जाके कलेक्टर वहाँ पे निगम में गए, निगम वालों ने चेक करने के लिए भाई काय के लिए कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इनकी क्या परेशानी है, उनके सुनने के लिए 2 दिन काम रोका, उसके बाद चिन्मय गोपाल खुद आके यहाँ पे वापस उसको पास चालू करवा के गई थी, उसके बाद ये वहाँ पे कोर्ट चले गए, कोर्ट में अंतरिम स्टे के कारण हमने यहाँ पे काम रुकवा दिया। अब वहाँ से अब खुलने वाला ही था तो इन्होंने कल एप्लीकेशन दी है कि भाई इस पे कमिश्नर नियुक्त हो, और वहाँ पे कोर्ट की तरफ से कमिश्नर नियुक्त हुआ है, वो आज या कल जब भी आएंगे तो इसका फैसला करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये खुद परेशान है सारा, और यहाँ से कोई और जगह है नहीं यहाँ पे पानी निकलने के लिए। आज अगर ये कॉलोनी वाले गोविंद नगर वाले इनका पानी रोकते हैं तो इनका पानी भी गड्डी मालियान में जा रहा है, तो क्या वो भी रोकेंगे क्या? ये तो जनहित का काम है, किसी का आप पानी रोक नहीं सकते। और यहाँ पे जब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे वो विश्राम स्थली बनी थी चंद्रवरदाई में, तब यहाँ पे एडी वालों ने ये रोड चौड़ा करने के चक्कर में यहाँ पे जो पुलिया थी उसको इन्होंने पूरा भर दिया, ठेकेदार ने पूरा भर दिया, तो उस समय यहाँ पे पुलिया थी तो वहाँ पानी रुक गया है। आज भी आप देखोगे ना बारिश में तो पानी जो उधर 7 फुट का नाला जमीन छोड़ रखी है जो प्लॉटों के बीच में से जा रहा है, तो उसमें से पानी लगातार बहता रहता है। और आगे आपका नाम? मोहन लालवानी, पार्षद नगर निगम। रामगंज थाने से और गवर्नमेंट कॉलेज तक 10-12 नाले हैं बरसाती, जो कि रेलवे वर्कशॉप के बीचों होकर जा रहे हैं और पहले भी जा रहे हैं, और अभी इन्होंने ये नाला रुकवा दिया, जिससे मेरे अभी मकान का सारा फर्ज बैठ गया। अभी 4.5 लाख रुपए नवंबर में लगा के बैठा हूँ मैं, और यह सुनने वाला कोई नहीं है। मैं ये देखो सन 8 से 7 में मैं आया हूँ कॉलोनी में, और 8 से सब लिखत पढ़ करिए कलेक्टर को सबको, और ये संज्ञा मेरे को आश्वासन दिया है, जन सुनवाई में गया हूँ मैं। उसके बाद अच्छा उसके बाद भी इधर इतनी मेहनत के बाद में ये लोग मेरे सहयोग में आए और इस नाले को सेंक्शन करवाया। अब नाले की जमीन भी छोड़ रखी है, जमीन वाले ने 7 फुट का नाला छोड़ रखा है,
आगे नाड़ी थी, इन्होंने नाड़ी की जमीन बेच दी और रास्ते बंद कर दिए, नाले की जमीनें बेच बेच के, तो अब वो पानी जाएगा। अब ये कहते हैं कि ये कॉलोनी बह जाएगी। कुल मिलाकर अगर यदि वहाँ से नाले का निर्माण होता है तो क्या आपके मकान को कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी? नहीं, नाले का निर्माण हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को, क्या किसी को भी नहीं होगी। आपका नाम बता? मेरा नाम सत्यदेव मिश्रा है। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि जो नाला निर्माण हो रहा था, ये दो कॉलोनी के आपसी विवाद में तब्दील हो गया है, तो क्या वजह है इसकी और आप क्या चाह रहे हैं? इसकी वजह है जो यहाँ पे एक भू माफिया है चंद्र नामानी, उसने दो प्लॉट ले रखे हैं किसी होटल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके प्लॉटों के बीच में से 7 फुट का नाला निकल रहा है और वो इन क्षेत्रवासियों को, गोविंद नगर वालों को भड़का कर और अपने खर्चे के ऊपर ये निर्माण कार्य रुकवाना चाहता है, और उसके लिए उसने माननीय न्यायालय के अंदर भी स्टे ले रखा है। माननीय न्यायालय ने अभी कल करने कमिश्नर नियुक्त किया है, कमिश्नर की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर माननीय जो न्यायालय है वो उसके ऊपर डिसीजन देंगे जो हमारे को स्वीकार है। उसके बावजूद भी गोविंद नगर वाले ये कह रहे हैं अगर कोर्ट का डिसीजन हमारे खिलाफ आया तो भी हम नाला बनने नहीं देंगे। जब आप लोग नाला बनने ही नहीं देंगे तो फिर आपको कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? आप तो विवाद कर रहे हो, और ये नाला नहीं बन रहा, सिर्फ 2 फुट की नाली बन रही है। हमारे एरिया के अंदर चारों तरफ का पानी आता है, डी ब्लॉक का आता है, लोहार बस्ती का आता है, सदगुरु कॉलोनी का आता है, वो पानी कहाँ निकलेगा? निकलेगा तो यहीं ढलान यहीं है। आज ऊपर का पानी नीचे की तरफ निकलेगा। हमारी पूरी जो कॉलोनी है, जो ये लोग कह रहे हैं अवैध है, ये आबादी क्षेत्र घोषित है राजस्व खसरे के अंदर, जो खसरा नंबर है 5550, और सारी कॉलोनी लोनेबल है, लाखों रुपये लोगों ने लगा रखे हैं। अवैध कॉलोनी के ऊपर कौन ना पैसा लगाएगा? लीगल कॉलोनी है और ये खामखा में उसको ना अवैध कॉलोनी घोषित करके नाले का निर्माण करने रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसी बात भी आ रही है कि उस नाले को वहां से ना निकाल कर इधर साइड में तारागढ़ से जोड़ दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो भी कोई दिक्कत? तो हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, हमारे को निकास चाहिए, निकास चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य है, हमारे को पानी का निकास चाहिए। आप चंद्रवरदाई की तरफ निकालो, आप गोविंद नगर की तरफ निकालो, लेकिन जो नगर निगम के जो इंजीनियरों ने सर्वे किया था उस सर्वे के आधार पर ये बंद नाला है, बंद नाले को पुनः खुलवा दें। ये राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जितने भी बंद नाले हैं उनको पुनः खोला जाए, उनके ऊपर जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाया जाए। आपका नाम? राजेश पंजाबी, निवासी उदयनगर, चंद्रवरदाई नगर रोड, अजमेर।